साग से कौन परिचित नहीं होगा। हर घर में मंगाया जाता है और कई घरों में तो रोज बनाया जाता है। सबकी पसंद अलग है। मुझे पसंद है पोई का साग, यानी मालाबार स्पाइनेक। आज मैं पोई के पत्तों के पकौड़े बनाऊंगी। आइए, पोई के पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए हमने 15 से 20 पत्ते धोकर साफ करके रख लिए। ये पत्ते जो हैं वो मेरे किचन गार्डन के हैं। इसके लिए एक बोल लिया है हमने, उसमें एक कप बेसन हम डालेंगे, 4 बड़े चम्मच चावल का आटा। आप चाहें तो इसकी जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, कुटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन ली है हमने, उसको हाथ से ऐसे करके फिर इसमें डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम मिक्स करेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए डालेंगे कि लम्स ना पड़े जिसमें। बेसन का बैटर हमारा बन गया है, ये देखिए बिल्कुल लम्स नहीं है। अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इसका एक पत्ता लेंगे पोई का, इसको इसमें डिप करेंगे। आप चम्मच से भी इसमें लगा सकते हैं इसका बैटर बेसन का। और ये तेल हमारा गरम हो गया, सरसों का तेल हमने लिया है क्योंकि पकौड़े वगैरह बनाने के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। एक तरफ से ये पकौड़े हो गए, अब इनको हम पलट देते हैं जिससे कि दूसरी तरफ से भी हो जाए। ये पकौड़े हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये रहे पोई के पत्तों के कुरमुरे पकौड़े। इसे आप कभी भी बनाइए, किसी भी समय खाइए, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे दीजिए आज्ञा क्योंकि मैं भी जा रही हूँ पकौड़े खाने। बाय बाय।